इसराइल के लिए आज और कल की रात बड़ी भारी है। वजह है वो तारीख जिसने इसराइल में खलबली मचा रखी है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी लेबनान के करीब तैनात कर दी है और इस बात से तय माना जा रहा है कि बड़ा युद्ध 24 घंटे के अंदर शुरू होने का बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल की मदद को अमेरिका ने भेजा समंदर का सिकंदर, दोस्त की मदद को आगे आया दोस्त। क्या आज की रात कयामत की है? युद्ध की बिसात बिछ चुकी है, तलवारें खिंच चुकी हैं, दोनों तरफ से मोर्चेबंदी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसराइल और ईरान की टेंशन में रोज नई खबरें आ रही हैं। अब की बार सात समंदर पार से जो खबर आई है वो ये है कि आज की रात कयामत वाली है। तमाम अटकलों के बीच दोस्त की मदद को दोस्त सीना तान के खड़ा हो चुका है और दुश्मनों को साफ लहजे में कहा है कि दम है तो आगे बढ़ो। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इसराइल पर हमला करने को लेकर ईरान बेताब है। इसराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्ला, खतरा दोनों ओर से है। हिजबुल्ला ने तो इसराइल के ऊपर मिसाइल भी दाग दी है। यही वजह है कि अब अपने दोस्त इसराइल की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिसाइल सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। हिजबुल्ला के करीब पहुंची अमेरिका की पनडुब्बी 154 क्रूज मिसाइल के साथ नसरल्ला पर हमले की तैयारी। नेतन्याहू को बचाएगा बाइडन का ऑपरेशन टॉमहॉक। विदेशी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को आशंका नहीं, पूरी उम्मीद है कि 12 अगस्त की रात को इसराइल पर ईरान ताकतवर हमला करेगा। इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले देखिए कि अमेरिका कितनी जल्दबाजी में है। अमेरिका ने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मेडिटेरियन सागर में भेज दिया है। ये दोनों ही अपनी फुल स्पीड में इसराइल की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोस्त इसराइल को बचाया जा सके। अमेरिका ने ये आदेश ऐसे समय में जारी किए हैं जब अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में हिजबुल्ला कमांडर फौद शुकर की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी अधिकारियों को इन हत्याओं के बाद ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से जवाबी हमले किए जाने की आशंका है। यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अब जान लीजिए उस खतरनाक सबमरीन के बारे में जो अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए भेजी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया बहुत ही खतरनाक है। तो ये है यूएसएस जॉर्जिया ओहायो क्लास, सबसे खतरनाक इसे पनडुब्बी माना जा रहा है। इस सबमरीन पर 154 टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं। 154 टोमाहॉक मिसाइलें, आप देखिए 154 टोमाहॉक मिसाइलें जो हैं इसमें तैनात हैं। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में दागी जा सकती है और इनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक की, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है और 154 टोमाहॉक मिसाइलें यहां पर है और किसी भी मौसम में इन्हें दागा जा सकता है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूएसएस जॉर्जिया में 4 टॉरपीडो ट्यूब भी लगी हुई हैं जिसके 21 टॉरपीडो दागे जा सकते हैं। तो 4 टॉरपीडो ट्यूब्स यहां पर लगाई गई हैं और जानकारी यही मिल पा रही है इससे 21 टॉरपीडो दागे जा सकते हैं, वो भी एक साथ। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि इसमें एक परमाणु रिएक्टर भी लगा हुआ है जो इसके इंजन को चलाता है। तो परमाणु रिएक्टर इसमें लगा है जो इसके इंजन को चलाता है और 560 फीट लंबी सबमरीन में 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात भी रहते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट
19,000 टन से बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 19,050 टन का डिस्प्लेसमेंट है। ये सबमरीन अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 800 फीट की गहराई तक जा भी सकती है। तो देखिए कितनी गहराई तक ये जा सकती है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिकी नौसेना में एक्टिव है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी खतरनाक यूएसएस जॉर्जिया ओहायो क्लास की ये टॉमहॉक मिसाइलें जो इसमें तैनात है और अपने आप में दिलचस्प कहीं ना कहीं ये पनडुब्बी है। इसराइल को बचाएगा यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका के दूसरे विध्वंसक को देखिए, दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। इसकी एक मूवमेंट से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते हैं। नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप के इस प्रमुख युद्ध पोत को भी रवाना कर दिया है। इस जहाज में 2 परमाणु रिएक्टर, 4 स्टीम इंजन और 4 शॉप लगे हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेंज असीमित है। ये लगातार 20 से 25 साल तक समंदर में रह सकता है। इस जहाज पर 3200 नौ सैनिक और 2480 वायु सैनिक रह सकते हैं। ये जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा होते रहते हैं। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक रेडार और सेंसर लगे हैं जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक काउंटर मेजर स्विच और एक टॉर्पीडो काउंटर मेजर लगा है। इस जहाज में 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें लगी हैं, जो छोटी हल्की इंफ्रारेड होमिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा 2 फ्लैंक्स CIWS गन सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, बोट, फाइटर जेट को खोज खोज कर उन पर ऑटोमेटिकली हमला करते रहता है। अमेरिका इसलिए इसराइल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके प्रॉक्सीज को कई सालों से जानता है। अमेरिका को ये भी पता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी कितने खतरनाक हैं और क्या कर सकते हैं। इसराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्ला, हमास, यमन के हूथी विद्रोही भी देंगे। इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए, जो अशांति फैलने से रोकने में भी मदद करेगा। अब जान लीजिए कि क्यों विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि इजरायल के लिए आज की रात बड़ी भारी है। आज 12 अगस्त है और लगता है आज ही की रात कयामत की रात होगी। ईरान आज इजरायल पर हमला कर सकता है क्योंकि तेल अबीब, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एयरबिल के लिए 21 अगस्त तक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दरअसल 12 अगस्त 2024 यरूशलम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। इसीलिए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि आज ईरान से या तो उसके प्रॉक्सीज की तरफ से इजरायल को निशाना बनाया जा सकता है।